हाटसिला थाना क्षेत्र के गोपालपुर रेलवे फाटक के समीप शुक्रवार को ट्रेन की चपेट में आने से 65 वर्षीय पावड़ा निवासी कमल घोष की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर रेल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक कमल घोष रोज की तरह आज भी अखबार पढ़ने के लिए रेल पटरी पार कर रहा था, तभी मालगाड़ी की चपेट में आ जाने से उसकी मौत हो गई। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। घाटशिला नेताजी सुभाष चंद्र बोस नगर भवन में जमशेदपुर लोकसभा की तैयारी को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के संगठन सशक्तिकरण सभा का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से जमशेदपुर लोकसभा प्रभारी सह पूर्व सांसद डॉ अजय कुमार, जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे, संयोजक रमा खालको एवं जिला प्रभारी बलजीत सिंह बंदी उपस्थित थे। इस मौके पर डॉ अजय कुमार ने पार्टी पदाधिकारियों को पूरी सक्रियता के साथ चुनाव जिताने की अपील की। उन्होंने चुनाव जीतने के लिए अपने अपने कार्यकर्ताओं को कड़ी मेहनत करने को कहा और कई मूल मंत्र दिए। इस मौके पर तापस चटर्जी, काल्टो चक्रवर्ती, सत्यजीत सीट, अमित राय, कन्हैया शर्मा समेत अन्य लोग मौजूद थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। प्रेस वार्ता जो है, खास तौर से हम लोग ने आप लोग को निमंत्रण इसलिए दिया क्योंकि हमने कहा कि कांग्रेस के संगठन और कांग्रेस में क्या हो रहा है उसके बारे में थोड़ी सी जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सभी वरिष्ठ पत्रकार जिनको कुछ लोग 10 साल से वैसे लग रहे हैं जैसे कि उनको उम्र जो एकदम नहीं छुआ है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। रमा जी हमारी सह प्रभारी हैं, बेदी जी हैं, अध्यक्ष जी, देश के सामने आपने देखा होगा कि कल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हुआ, पहले तो आज के महिला जो अभी स्कूल में पढ़ रही है वो जब दादा दादी बनेंगे तब जो है इस कानून को जो है धरातल पर देखने का मौका मिले। आज के बच्चियां जो स्कूल में हैं, जब वो दादा दादी बनेगी, बच्ची जब दादी बनेगी तब जो है मोदी जी ने सुनिश्चित कर दिया कि इस कानून को जो धरातल पर आने की संभावना है, होगा भी नहीं ये नहीं मानता, तो ऐसा मत सोचेगा कि दादी बनने के बाद कंफर्म है, कभी भी कंफर्म नहीं। और मैं इसका इतिहास इसलिए बताना चाहूंगा, पहले तो जनगणना करने की आवश्यकता है, अब जातीय जनगणना करने की आवश्यकता है, नहीं तो आप एससी एसटी को कैसे, ओबीसी को तो दे ही नहीं रहे, वो हमारे एक सबसे बड़ी ओबीसी उसमें माइनॉरिटी भी आ जाते हैं क्योंकि माइनॉरिटी में अंसारी वगैरह जो है क्रिश्चियन माइनॉरिटी में ओबीसी में दोनों है, तो इसका जो थोड़ी सी कानूनी पेच ये है और मैं थोड़ा एक 30 सेकंड में समझा रहा हूं, आपको कास्ट सेंसस करके ही जो है उसी आधार पर आप रिजर्वेशन कर सकते हो क्योंकि उसमें उस बिल में रिजर्वेशन विदिन रिजर्वेशन मोदी जी कर नहीं रहे, सेंसस ही नहीं किए 2021 में। अब जब सेंसस किया जाता है उससे कम से कम 3 साल लगते हैं उसको पब्लिश होने, ठीक है, 24 में तो नहीं हो रहा, मान लीजिए 25 में किया तो पब्लिश हुआ 28-29 के आसपास, फिर परिसीमन शुरू होता है तो परिसीमन के रिपोर्ट और जांच 5 साल लगते हैं, तो 1934 और कहीं किंतु परंतु अति नहीं है, अति किंतु परंतु की बात ही नहीं है। अगर पत्रकार में रिपोर्टर्स में झारखंड में आदिवासी एससी के रिपोर्टर्स हैं इसमें कोई दोहरा नहीं, लेकिन जो बड़े पद पर चैनल के मालिक, एडिटर, एंकर, एमडी टाटा स्टील, एमडी टाटा स्टील तो छोड़ दो, इस देश के सबसे बड़े 2000 कंपनी में भी एक आदिवासी दलित नहीं है, महाप्रबंध कोई पब्लिक सेक्टर के कंपनी में एमडी नहीं। हमारा इतना कहना है कि दूसरे का हक मत चाहिए, हम अभी भी बोलते हैं एमबीबीएस में
हमारा क्या कि दोनों जनरल और आरक्षित लोग के बीच में हम लोग लड़ाई कैसे कराते हैं कि बोले कि भैया दो ही रोटी है बांटो, 10 रोटी क्यों नहीं होगा? मेडिकल कॉलेज अगर 50 है सरकार का तो 200 क्यों नहीं करते हो? तो जनरल को भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि लड़ाई किसी भी जनरल समाज के बच्ची से नहीं, क्योंकि उनका भी तकलीफ हम समझते हैं। लेकिन नेता ये लोग क्या कर रहा, लड़ा रहा है, बात समझिए। क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे होनहार बच्चे हैं जो जनरल कैटेगरी के, जो डॉक्टर बनने चाहिए, आईएएस बनने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट हो प्रोफेसर बनने चाहिए, और जिस दुनिया के सबसे बड़े देश में क्या मेडिकल कॉलेज बढ़ा नहीं सकते हो? एससी के बच्चे को आप स्कॉलरशिप माफ कर दो कि जनरल का हो सकता नहीं देंगे वो, ठीक है। लड़ाई जनरल के बच्चे और जनरल समाज के कभी खतई कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती। ये दो रोटी नहीं होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, जिसमें सब बच्चे को एडमिशन होनी चाहिए। लेकिन मोदी क्या कर रहा है, प्राइवेटाइज कर रहा है, और जनरल के बच्चे भी मर रहे हैं, क्यों बताओ? रेडियोलॉजिस्ट, एमडी रेडियोलॉजी और एमडी स्किन, ₹7 करोड़ फीस है। फिर से नोट कीजिए, एमडी रेडियोलॉजी और एमडी स्किन में आपको ₹7 करोड़ देना, तो कौन जनरल का बच्चा है 7 करोड़ देगा? सिर्फ अदानी का बच्चा है पढ़ेगा तो जनरल भी साफ। आप बात समझिए कि बच्चे जनरल को मारेगा, एससी को तो अंतो क्वेश्चन 7 करोड़ देगा, जनरल भी नहीं देगा। कौन जनरल है जो 7 करोड़ दे सकता है? मुझे तो नहीं मालूम। हमारे अच्छे दोस्त हैं यहाँ पर, जितने लोग हैं औकात है क्या 7 करोड़ देने का कोई भी? और होगा भी तो नहीं देंगे क्या? इतना निकम्मा बेटा है कि यार 7 करोड़ देके क्या पड़ा? दिस इज द इश्यू, फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन, फ्यूचर ऑफ इंडिया, वे डू वी सी। तीसरा समस्या जो घाटशिला में, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस देश में घाटशिला के निकल के बता दो कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी घाटशिला में। मैंने एसपी के दिन में जो है सबको नौकरी थी, एचसीएल में गोल्फ खेलते थे, क्या डिनर पार्टी होती थी, बंगाली लोग आते थे कलकत्ता से, क्या दुर्गा पूजा होता था, क्या हुआ? घाटशिला का कहानी भारत की कहानी है। मोसाबनी क्लब में हम लोग बिलियर्ड्स खेलते थे, याद है? भाव भंडार में बिलियर्ड्स टेबल था, अब उस पर सिपाही सोता है। मोदी जी ने यही सुनिश्चित कर दिया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं तो बिलियर्ड्स खेल रहा हूं ना उस, और वो भी ऑफिसर का क्लब नहीं था, वो जो क्लब था वो वर्कर्स क्लब था, एचसीएल वर्कर्स क्लब था, जो कोने पर है थाने के पास। हाँ, बिलियर्ड्स था। तो दैट इज द स्टोरी, घाटशिला की कहानी जो है भारत की कहानी, देश का कहानी, देश की कहानी। बचत, बेरोजगारी सबसे नीचे, बेरोजगारी सबसे ज्यादा, महंगाई चरम सीमा, और कमाई आप बताओ यार, बुरा मत मानना, हमारी जो सैलरी है, जो इंजीनियर 10 साल पहले मनमोहन सिंह जी के समय में विप्रो में 3,50,000 कमा रहा था, आज के डेट में कितना कमा था बताओ? विप्रो में 12,000, अगर विप्रो कह रहे, विप्रो कहती है कि हम 3,40,000 दे रहे, इसका मतलब 10 साल में मोदी जी ने जो है 3,40,000 से मनमोहन सिंह छोड़े, मोदी ने जो है 3,30,000 तक पहुंचा दिया, 56 इंच। झूठ बोलने के शहंशाह हैं, और एक ही एजेंडा है हिंदू मुस्लिम। हमारा जो हिंदुइज्म है वो विवेकानंद जी का हिंदुइज्म, रामकृष्ण परमहंस का हिंदुइज्म, सब भाई बहन आदिवासी एससी एसटी आनंद बिहारी हो, मैं एक ही थाली में खाएंगे, वो असली सनातन धर्म, वो असली हिंदू धर्म होनी चाहिए। उसका परिभाषा यही होना चाहिए कि सब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सब भाई बहन। वो कांग्रेस का विचार है, वो संविधान का जो है विचार और कानून, संविधान भी यही बोलता है। तो इसी शब्दों के साथ ये देश के बारे में मैंने आपको सुनाया, अब आपसे जो है
जो भी आपको सवाल करने हैं, जैसे मोदी जी ने अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, भाजपा वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, लेकिन हम लोग जो है ना, आप ऐसा भी सवाल कर सकते हैं जो हमको पसंद नहीं है, लेकिन हम आपको मान सम्मान। ऑफिस से आज का हेडलाइन क्या होगा, जैसे राहुल गांधी अदानी जी के बारे में बात के स्पेशल सेशन पार्लियामेंट, बॉस सोचो जैसे अदानी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो मोदी जी बोलते हैं चीन को लाल आंख दिखाएंगे, चीता का फोटो लेंगे। जब भी हमने अदानी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो शाम तक मोदी जी ने कुछ करा, कुछ ऐलान कर दिया। सुबह जो है जो पत्रकार अमन चोपड़ा का जो है, अमन चोपड़ा जी को नाम लेना जरूरी है, 2 महीने में 13 डिबेट पाकिस्तान, 40 डिबेट हिंदू मुस्लिम और बाकी बचा मोदी के जो है महामंडित्र, महामंडित्र। तो हम कैसे जाएंगे भाई साहब, आप बताओ यार। हम आपके घर जाते हैं और आप बोलते हो कि पीछे बैठो, घर के दीवार के वहां बैठो, और तेरा बाप को भी गाली देंगे नेहरू को। इसलिए जो हमने अब देख लो टीआरपी कम हो रहा, मैं उसने मजा आया बहुत चित्र त्रिपाठी का, जो भाजपा के लोग, दो इलेक्शन के लोग और जो समर्थन में कौन देखे, चित्रा जी हमारी आवश्यकता है 1 करोड़ 1.5 करोड़ की सैलरी लेती है, हमारी जरूरत वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए नाक से ऊपर जो है बोलना नहीं चाहिए, पानी जो है नाक से ऊपर नहीं जाना, ये सवाल करती है। दूसरा क्या है, कुछ भी पूछिए, छोड़ दो, मुसलमान और क्रिश्चियन भी जो है सनातन धर्म पर गर्व इसलिए करता है क्योंकि वो इंक्लूसिव, वो सबको लेके चल। मैं डीएमके के बारे में आप बोल रहे हो और वो डीएमके से हम सहमति भी नहीं रखते, और हमने कांग्रेस ने पहले भी बोला, हम अभी भी बोले, हमने सुझाव भी दिया है और आगे सुझाव भी देते रहेंगे, इस तरह की बातचीत नहीं होनी चाहिए। जाति प्रथा के खिलाफ आप भी हो हम भी, और जिस तरह से बोला गया वो ठीक उचित नहीं है, और हमने कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ लेवल से ये बात को जो है डीएमके को हमने पहुंचा दी, क्योंकि बहुत सारे चीज है, पशु को ध्यान रखना, हजारों साल की संस्कृति। अभी जो है हम गए थे कर्नाटक के चुनाव में, अगर आप विजयनगर और होयसला का मंदिर को देखोगे तो जो है आश्चर्यचकित हो जाओ, 1000 पहले 1500 साल पहले ऐसा कोई ऐसे शिल्पकार थे, ये भी तो हमारी संस्कृति है कि नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर की भी तो संस्कृति है। लेकिन सनातन धर्म किसको जिताने के लिए, अगर जेएमएम लड़ेगी तो जेएमएम को जिता, ये असली जो है धर्म है, इंडिया है बॉस, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। और मोदी जी डर गए, अब हम भारत का नाम लेंगे तो देश को आर्यवर्त बना लेंगे, कोई भरोसा नहीं, डर जाता है हर एक शब्द से, इंडिया से डरा फिर भारत से डरे, आदिवासी सम्मेलन तो ज्यादा जो स्क्रिप्ट आप ही लिखते हो, कोई तकलीफ। प्रदीप जी हमारे नेता भी हैं, सबके नेता है, आदिवासी को दिल्ली में बैठे एक्सपोजर, क्योंकि प्रेस को खरीद लिया ना, अखबार को मालिक को खरीद लिया ना गुरु, एक मिनट लेट मी कंप्लीट। कुछ दिन पहले एक अखबार ने 8 कॉलम का हेडलाइन लिखा था सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, फिर सेना जनरल बोले कि हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ, अब क्या करोगे। एक अखबार नाम नहीं लूंगा क्योंकि हमारे करीब ही, आप लोग कम से कम करीब है, मालिक तो करीब है, मालिक करीब था। सीएजी घोटाला रोज आ रहे हैं, प्रेस जो है टीवी चैनल नहीं दिखा रहे, जनता समझ रही है, भारत जोड़ो का जो एक्सपोजर है ना बहुत घर घर पहुंचा, माने या नहीं माने, और सोशल मीडिया में तो धूल चढ़ा रहे हैं भाई साहब, क्या मोदी को तो क्या धूल चढ़ा रहे हैं बहुत सोशल मीडिया में, क्योंकि जिस दिन हमारे बच्चे लोग आकर बोलते क्या वीडियो है, मैं समझ गया कि ठीक चल, उसके पास पैसा है, देखा क्या राहुल गांधी वाला, मेरे पास पुलिस है, जुडिशरी है, इलेक्शन कमीशन, राहुल गांधी बोलता है मेरे पास पब्लिक,
मैं बता रहा हूँ कि हर जगह में देश में घूम रहा हूँ, तेलंगाना में था, मणिपुर में था, महाराष्ट्र, राजस्थान, बॉस माहौल बदल रहा है, सोशल मीडिया से बहुत माहौल बदल रहा है, माहौल बदल रहा है। और माहौल इसमें बदलना चाहिए भैया, जो राम के नाम पर जमीन घोटाला कर सकता है, जो महाकाल के नाम पर जो है मूर्ति का जो है कमीशन ले सकता है, वो तो आपको क्या आपके पूरा खानदान को बेच सकता है, गलत है क्या भाई साहब? सर वो कमीशन ले सकते हैं, वो आपको बेच सकते हैं, एक अच्छा नारा हो गया बॉस, ये भी चलेगा।